आजकल लकड़हारे वैसे नहीं रहे, कुल्हाड़ी लेके जाते हो, सुबह सुबह उठ के झगड़ा कर देते हैं, तू चलेगी तो मैं ले जाऊँगा काटने, नहीं तो नहीं जाऊँ। किसको साथ ले जाते हैं? अपनी वाइफ को भी, तू भी काटना और मैं भी काटूंगा। दोनों जंगल में चले गए, काटने लग रहे थे, वो जोर से मारी ना, कुल्हाड़ी तो पड़ी नहीं, उसकी घरवाली पड़ गई भाई, पानी में पड़ते ही वो डूब गई। उसने हाहाकार मचा दी, मेरी घरवाली, तो जल देवता प्रस्तुत हुए। हाँ भाई क्या हुआ? कहता महाराज मेरी घरवाली पानी में डूब गई, हे भगवान बचाओ। जल देवता ने डुबकी लगाई और हेमा मालिनी को निकाल के लाया। कहता ये है तुम्हारी वाइफ? कहता हाँ जी। तो जल देवता कहने लगे, रहे भले आदमी, इतने सालों से तेरी ईमानदारी की कथा चल रही थी, तूने उसका सत्यानाश कर दिया, छोटी सी बात पे अपनी नीयत खराब कर दी। पता है लकड़हारा क्या बोला? महाराज ऐसा नहीं है, मेरी नीयत खराब नहीं है, आपने डुबकी लगाई, मुझे पता है मेरी कहानी पढ़ाई जाती थी कि सोने की कुल्हाड़ी निकाल के लाया, मैंने मना कर दिया, फिर चांदी के निकाल के लाया, मना कर दिया, और फिर मैं वो कहानी मुझे अच्छी तरह पता है। अरे आपने डुबकी लगाई और हेमा मालिनी को निकाल के लाए, उस हिसाब से तो मैं कहता ये पत्नी मेरी नहीं है, फिर आप डुबकी लगाते प्रियंका चोपड़ा निकाल के लाते, फिर मैं कहता ये भी मेरी नहीं है, और फिर आप मेरी धर्म पत्नी को लाते तो मैं ये कहता कि ये मेरी है, और आप खुश होकर तीनों की तीनों मेरे को दे देते, तो मेरा क्या होता? इस महंगाई के जमाने में एक धर्म पत्नी का काम चलाना मुश्किल है, मेरी ईमानदारी को शक मत करो।